देखो प्रभास की फिल्म सलार का जब से टीजर रिलीज हुआ है इसने चारों ओर तबाही मचा के रख दिया है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि 90% का क्राउड को इस फिल्म का टीजर बहुत पसंद आया है। लोगों ने कहा कि प्रभास फाइनली एक ऐसे रोल में दिख रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं। बट एट द सेम टाइम अब ये बात भी सोशल मीडिया के टाइम पे किसी से भी छुपी नहीं है कि इस टीजर का थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है। और उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो 3 मेजर पॉइंट्स पे हुआ है और वो वही एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स है जिसको मैंने अपने टीजर रिव्यू में डिस्कस किया था। इन केस अगर आपने मेरा टीजर रिव्यू नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के लास्ट में लिंक कर दूंगा, लेकिन यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी 3 बड़ी वजह है जिस वजह से लोग सलार के टीजर को थोड़ा बहुत ट्रोल कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला सबसे बेसिक रीजन ये है कि जब से सलार फिल्म का टीजर आया है तो लोगों का यही कहना है कि फिल्म का जो वर्ल्ड है, फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है, फिल्म के जो विलन्स दिखाई दे रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिल्म का जो कलर पैलेट है वो बिल्कुल ही KGF के जैसा है। और अगर आपको याद हो मैंने अपने टीजर रिव्यू में ये बात सबसे पहले हाईलाइट की थी कि सलार फिल्म की ओवरऑल जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो एग्जैक्टली KGF जैसी है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सलार फिल्म की ट्रोलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो KGF फिल्म तो बहुत बड़ी हिट थी, तो ऐसे में अगर कोई फिल्म KGF फिल्म से रिजेंबल करे तो ऐसे में तो फिल्म की तारीफ होनी चाहिए। तो बेसिकली लोगों का कहना यह है कि प्रशांत नील जो कि सलार फिल्म के और KGF फिल्म के भी डायरेक्टर हैं, उनको एक फिक्स फॉर्मूला मिल गया है, यानी एक डार्क सा सेटअप दिखाना, कई सारे विलन्स को सेटअप करना और फिर बाद में हीरो की एक मास लेवल की एंट्री कराना और फिर बहुत सारी मारधाड़ के बाद हीरो को जिता देना। तो लोग कह रहे हैं कि ये वही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जिसपे KGF फिल्म बनी थी और क्योंकि वो फिल्म बहुत बड़ी वाली सक्सेसफुल हो गई इस वजह से सलार फिल्म में भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला को रिपीट किया जाएगा। तो यहां मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि सलार फिल्म हम सभी जानते हैं कि KGF के यूनिवर्स का ही पार्ट होने वाली है। इनफैक्ट अब तो बहुत सारे ईस्टर एग्स भी ड्रॉप कर दिए गए हैं, काफी ज्यादा फोटोज भी मैच कर रही हैं जो कि KGF चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन की थी और अब सलार के टीजर में भी दिखी है। तो ऐसे में ये कंप्लेंट बिल्कुल ही बेसलेस है कि सलार का जो ओवरऑल यूनिवर्स है वो KGF जैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों फिल्में एक ही यूनिवर्स में सेट हुई है। इनफैक्ट कहा तो ये भी जा रहा है कि सलार की जो कहानी है वो प्रोबेबली KGF की कहानी से 10 या 15 साल बाद यानी 90s में सेट होगी। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये भी बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर हम फॉरेन फिल्म्स की बात करें यानी MCU की, DCU की, तो उनके भी सिनेमैटिक यूनिवर्स का ओवरऑल जो फील होता है, जो वाइब होता है, कलर पैलेट, सिनेमेटोग्राफी, वो ऑलमोस्ट सेम होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंटिन्यूटी बनाने के लिए। बेसिकली ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी नई फिल्म जो आ रही है वो पुरानी फिल्म से बिल्कुल भी इंटरकनेक्टेड नहीं है। सेकंड रीजन जिस वजह से सलार के टीजर को ट्रोल किया गया है वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि पूरा इतने बड़े टीजर में यानी 1 मिनट तकरीबन 47 सेकंड के टीजर में प्रभास का फेस ही नहीं रिवील किया है। और अगर आपको याद हो इस पॉइंट को भी मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था और इस पॉइंट की तो मैंने बल्कि तारीफ भी की थी। तो बेसिकली हुआ क्या कि प्रभास के जो बिल्कुल डाई हार्ट फैंस हैं उनको थोड़ा बहुत चीटेड महसूस हो रहा है कि एक तो टीजर 6 जुलाई को 5:12 पे रिलीज किया गया और इतनी सुबह उठने के बाद भी जब उन्होंने प्रभास की फिल्म का टीजर देखा तो उनको प्रभास के दर्शन नहीं हुए। तो यहां मैं आपको वो बात बता दूं जो मैंने एक्चुअली टीजर रिव्यू में भी बताई थी कि यहां लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी किसी फिल्म के बारे में या टीजर के बारे में स्पेशली एक्टर के लुक के बारे में कम रिवील किया जाता है, ऐसा देखा गया कि उस फिल्म की जो हाइप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन केस अगर आपको याद हो पठान फिल्म का भी जब टीजर आया था, टाइटल अनाउंसमेंट टीजर, उसमें शाहरुख खान का लुक नहीं रिवील किया गया था और उस टीजर के बाद भी बहुत ज्यादा हाइप बन गई थी कि शाहरुख खान का अल्टीमेटली लुक क्या होने वाला है। हालांकि सबने शाहरुख खान को उनके पब्लिक अपीयरेंसेस में देखा ही था, सबको पता था उनके वही वाले लंबे बाल होंगे, लेकिन तब भी फिल्म के बारे में जो ओवरऑल क्यूरियोसिटी थी वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल टच कर गई थी। सिमिलर यही चीज हुई जवान के रिलीज डेट टीजर में। अगर आपको याद हो एक बहुत ही 7 से 10 सेकंड का टीजर आया था जिसमें शाहरुख खान एक भाला फेंक रहे थे और उसमें ऐसा अनाउंस किया गया था कि जवान फिल्म जो है वो 2 जून की जगह 7 सितंबर को रिलीज होगी और उसमें भी शाहरुख खान का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से पट्टी से ढक दिया गया था, उनका चेहरा बिल्कुल भी रिवील नहीं किया गया था। और एग्जैक्टली शाहरुख खान के फैंस ने भी तब यही कंप्लेन की थी कि ऐसी भी क्या बात आ गई थी कि शाहरुख खान का फेस नहीं रिवील किया गया। तो अगेन यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ये बात कि शाहरुख खान का फेस नहीं रिवील किया गया है इसने फिल्म का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है और यही रीजन है कि जवान फिल्म पे आज भी वीडियोस बन रहे हैं और आज भी लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं कि शाहरुख खान का अल्टीमेटली फाइनल लुक कौन सा होने वाला जवान फिल्म में। तो अगेन दिस वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं भी इस चीज पे वीडियो बना रहा हूँ, बाकी यूट्यूबर्स भी इस चीज पे वीडियो बना रहे हैं और फैंस के बीच में जो खलबली मची हुई है कि प्रभास का अल्टीमेटली लुक क्या होने वाला है, मेकर्स एक्जैक्टली यही चाहते थे, वो यही चाहते थे कि सलार फिल्म बेसिकली ऑडियंस के बीच एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाए। और वहीं मैं थर्ड और फाइनल क्रिटिसिज्म की बात करूं तो वो ये बताया जा रहा है कि सलार फिल्म का जो टीजर है बहुत लोग कह रहे हैं वो डिसेंट तो है लेकिन वो लेवल मैच नहीं कर पाया जो KGF चैप्टर 2 के टीजर ने की थी। हम सभी को पता है कि KGF चैप्टर 2 का जो टीजर आया था वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और उसमें जो सीन था जहां पे रॉकी भाई जो बड़ी मां से सारे पुलिस स्टेशन को और गाड़ियों को ब्लास्ट करते हैं उस सीन की वाहवाही बहुत ज्यादा हुई थी, इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत लोगों ने रील्स बनाई थी और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि सलार के टीजर में वो बात नहीं है जो एक हार्ड पंच इस फिल्म को हिट करना चाहिए था वो ये हिट नहीं कर पाई है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि सलार फिल्म जो है वो अपनी फ्रेंचाइज का बेसिकली फर्स्ट पार्ट है। अगर और सिंपल वर्ड में बोलूं तो सलार फिल्म का अभी कोई भी इंस्टॉलमेंट पब्लिक के सामने नहीं आया है, तो बेसिकली प्रशांत नील और जितने भी मेकर्स हैं
उन्होंने प्रभास का लुक थोड़ा बहुत छुपा के रखा है। वहीं केजीएफ चैप्टर 2 के टाइम क्या हुआ था कि रॉकी का कैसा लुक है, उसका कैसा स्वैग है, बाकी जितने भी विलन कैरेक्टर्स हैं सब कुछ पब्लिक के सामने आ गए थे। और यही रीजन था कि उस टीजर ने रॉकी भाई का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल खुल के दिखाया था, क्योंकि सभी को पता था कि रॉकी का जो कैरेक्टर है, उसका जो गुस्सा है और उसका जो फोकस है, यानी जो उसको चाहिए होता है वो उसको चाहिए होता है, इन सब चीजों के बारे में ऑडियंस ऑलरेडी जानती थी। तो मेकर्स को ऐसा नहीं लगा कि कोई भी सीन दिखाना एक स्पॉइलर की तरह एक्ट करेगा। वहीं अगर ऐसा कोई सीन सलार फिल्म के टीजर में डाल दिया होता तो ऐसे में कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ रिवील हो जाता। वैसे भी अभी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है कि प्रभास का जो कैरेक्टर है वो फाइनली पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। कुछ टॉक्स तो ऐसे भी है कि हो सकता है उनका डबल रोल हो। तो बेसिकली मेकर्स ऐसा नहीं चाहते थे कि जहां लोग सोशल मीडिया और यूट्यूब पे बहुत सारे ईस्टर एग्स ड्रॉप कर रहे हैं, बहुत सारी फैन थ्योरीज बना रहे हैं कि किस तरीके से सलार फिल्म केजीएफ के यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकती है, तो वहां वो खुद ही कोई फिल्म का स्पॉइलर देते हैं। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमको सलार के टीजर को कंपेयर करना ही है तो केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर की जगह हम उसको चैप्टर 1 के टीजर से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहां मैं आपको बता दूं कि उसका टीजर भी बिल्कुल सलार के टीजर ही की तरह था। इनफैक्ट उसमें भी रॉकी भाई का जो पूरा चेहरा है वो रिवील नहीं किया गया था। हां, एक छोटी सी गलती मैं सलार फिल्म के मेकर्स की ये मान सकता हूं, अगर आपको याद हो मैंने टीजर के रिव्यू के लास्ट में भी यही वाली गलती बताई थी कि इस टीजर को अगर एज फर्स्ट ग्लिम्स या फिर प्री टीजर के रूप में प्रमोट किया गया होता तो बेटर होता, क्योंकि तब फिर पब्लिक की इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती और जब टीजर में प्रभास की शक्ल नहीं दिखाई गई तो उनको थोड़ा बहुत चीटेड फील नहीं होता। तो फाइनली मैं ऑडियंस से यही कहूंगा कि हमें बहुत जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए सलार फिल्म अच्छी है या नहीं अच्छी है या फिर केजीएफ की जितनी अच्छी है या फिर नहीं अच्छी है। ये सब हमको 28th September को ही पता चलेगा या फिर ऑलमोस्ट इसका ट्रेलर इसके बारे में काफी कुछ रिवील करेगा। लेकिन ऐसे में छोटा सा टीजर आने के बाद फिल्म को बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर देना या फिर केजीएफ की सस्ती कॉपी बता देना, आई थिंक ये थोड़ा सा गलत होगा। तो ऐसे में ऑडियंस को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्टीमेटली केजीएफ और सलार दोनों प्रशांत नील नहीं बनाई है, तो अगर केजीएफ से वो बहुत नॉवल एक्सपीरियंस दे सकते हैं तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि सलार भी बिल्कुल आउट ऑफ द पार्क हिट करे। तो फाइनली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सलार फिल्म का टीजर कैसा लगा। और आपको ये भी मैं बता दूं कि केजीएफ का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है और सलार फिल्म और केजीएफ फिल्म का जो कनेक्शन है उसके बारे में भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, तो वो भी बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आ जाएगा। तो अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अभी के लिए अपने सिनेमा उत्सव रंजन को दीजिए इजाजत। We'll be right back.